हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल 12 सन साइंस। आप लोगों को ये शो कैसा लगता है, मेरी रीडिंग कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कोई टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, विच इज एरियस सन साइन और हिंदी में इसको मेष राशि भी बोलते हैं। तो एरियंस, आप लोगों के लिए आज की क्या एनर्जी है चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टेम्परेरी हो सकता है किसी चीज से आपको सडन डिसअपॉइंटमेंट मिला हो सकता है चीज़ें आपकी चाहत के अनुसार ना हुई हो, उसकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्स है ना, वो आपको एफर्मेशन दे रहा है कि समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। या जो आपके पीछे साथ में हुआ है इन द पास्ट, उस पर ना ध्यान रख के जो आने वाली चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। एंड अप नेक्स्ट इज टॉरस सन साइन और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं टॉरस सन साइन वालों के लिए कार्ड आज क्या कहते हैं। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए पहला कार्ड आया है और यहाँ पे दूसरा कार्ड जो आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है आपके लिए। आपको एक्चुअली थोड़ा सा ना एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आना पड़ेगा। आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है, बट सम हाउ यू ऑलवेज टेक अ बैक सीट। आप औरों को बोलने देते हैं और खुद शायद शांत हो जाते हैं, बट योर ओपिनियन मैटर्स एंड योर ओपिनियन कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ें हासिल करने का जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर कमांड लेना पड़ेगा, चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी फॉर यू टू गेट ऑल दीज थिंग्स। एंड अप नेक्स्ट इज जेमिनाई सन साइन, हिंदी में हम इसे मिथुन राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं जेमिनाई सन साइन वालों के लिए कार्ड साज क्या कहते हैं। पहला कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो अमेजिंग चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली बोलता है कि एक जो साइकिल चल रहा था, एक जो कार्मिक लूप चल रहा था, वो अब आपका एंड हुआ है और कुछ नया बड़ा शुरू हुआ है आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपको बोलता है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। एक इक्वल बैलेंस है, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस है, चाहे वो बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, जहाँ पर भी आपकी एनर्जी जा रही है वहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा जा रही है, कहीं पर बहुत कम जा रही है और वो एरिया इग्नोर हो रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड अप नेक्स्ट इज कैंसर सन साइन और हिंदी में हम इसको कर्क राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैंसर सन साइन वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है फोर ऑफ कप्स का कार्ड एंड दूसरा कार्ड आपके लिए आया है हायरोफेंट का कार्ड। तो यहाँ पर देखिए, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना चीज़ों को एज इट इज़, तब तक चेंजेस भी आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप एक बबल में हैं, आप सोच रहे हैं कि जो एक्स वाई जी चीज़ें आपको चाहिए थी आपको वही मिले, तो फिर यहाँ पर मुश्किल वाली बात है। चीज़ों को थोड़ा सा जैसे हो रही है ना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। हो सकता है कि आपके घर में हाल फिलहाल में कोई रिचुअल आप करें, कोई पूजा पाठ कराएं या कोई शादी भी आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई मौका आता है तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अच्छी एनर्जी है जो आपके ये क्लोज माइंडसेट को चेंज कर सकती है। और अब बारी आती है हमारे अगले सन साइन की, विच इज़ लियो सन साइन और हिंदी में हम इसे सिंह राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं लियो सन साइन वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है आपके लिए एंड द सेकंड कार्ड फॉर यू इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं पर वो चीज़ शायद आपको मिल नहीं पा रही है और आप बहुत परेशान हैं उस चीज़ को लेकर के, एंड उसकी वजह से आप कोई भी करेक्ट डिसीजन, साउंड डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस इतनी है कि आप करंट टास्क एट हैंड पे फोकस करिए, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ अपने आप फॉलो करेंगी, अपने आप फ्लो करेंगी। यू जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट एंड टेक द राइट डिसीजन। एंड अप नेक्स्ट इज वर्गो और हिंदी में हम इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं वर्गो सन साइन वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास आ रही हैं, आ चुकी हैं या आना चाहती हैं। आपने ही अपने दरवाजे अपने लिए बंद किए हुए हैं। थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सल ग्रेस दिख रही है आपकी तरफ आती हुई, बट यहाँ पर आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। सो चेंज योर सेल्फ अ बिट एंड लेट थिंग्स फ्लो। And now we'll talk about the next sun sign, that is Libra sun sign, और इसको हम हिंदी में
तुला राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं लीब्रा सन साइन वालों के लिए क्या कार्ड आया है। पहला कार्ड आपके लिए आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का और दूसरा आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। कुछ टेम्परेरी चेंज हो सकता है या आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये आपके कार्ड्स में यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पे जो फोर ऑफ पेंटिकल्स है ये भी दिखाता है कि आपके लिए थोड़ा सा ये टाइम लॉसेस का टाइम हो सकता है। आपको अपने एक्सपेंसेस का बहुत ख्याल रखना होगा, कहीं पे भी आपको अगर फालतू खर्चा दिख रहा है तो उसको करने से थोड़ा अवॉइड करिए। एंड अप नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो सन साइन और हिंदी में हम इसे वृश्चिक राशि भी कहते हैं और इसको हमने शफल करके स्प्रेड कर लिया है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकल के आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए और यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। हो सकता है अगर कोई भी चीज़ रिलेशनशिप रिलेटेड है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप चिंता मत करिए बिकॉज द गुड टाइम इज़ जस्ट अबाउट टू कम। ये भी हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे। वर्ल्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कुछ फॉर्चुनेट आपके साथ होने वाला है। यहाँ पर बहुत मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और मेजरली चेंजेस ना आपके इमोशनल चेंजेस को डायरेक्ट कर रहे हैं और लव लाइफ रिलेशनशिप रिलेटेड चेंजेस। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सन साइन की जो है सजिटेरियस सन साइन और हिंदी में इसे हम धनु राशि भी बोलते हैं। सजिटेरियस सन साइन वालों के लिए पहला कार्ड जो आया है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का। तो यहाँ पर आपके लिए आदेश समझ लीजिए इसको यूनिवर्स की तरफ से जो आया है कि काम करते रहिए। अगर आप बीच में रुक कर के ये सोचने लग जाएंगे कि यार मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला, मैंने तो बहुत इसके लिए मेहनत की थी, राइट नाउ आपके लिए टाइम जो है वो थोड़ा स्लो टाइम है। अभी आपके डिसीजंस आपका काम उतनी स्पीड नहीं पकड़ेगा जितना आप चाह रहे हैं, बट द कमिंग टाइम बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड है वो यही बोल रहा है कि आपके लिए बैकग्राउंड में सारा काम चल रहा है, एक अच्छा बैलेंस बन रहा है, तो अपने कॉन्टिन्यूटी बना के रखिए। फल की इच्छा फिलहाल ना करिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको वो फल जरूर दिखेगा। एंड अप नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न सन साइन और हिंदी में हम इसको मकर राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है सेवन ऑफ एट ऑफ कप्स का और दूसरा है सिक्स ऑफ वॉन्स का। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपसे आपके साथ पास्ट में हुई थी और बहुत सालों तक गैप अब फिर से दोबारा से रेकरिंग है, तो एक रेट्रोगेड एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ था आपको मिला नहीं था, अब वो मिल सकता है। बहुत सारे रिपीटेड ऑकरेंस आपके लाइफ में हो सकते हैं और जो अच्छे के लिए होंगे, वो पॉजिटिविटी और सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे। हो सकता है कि आपका शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी प्लान हो या कोई भी आपको ऐसा इंसान अप्रोच कर सकता है जो ओवरसीज या किसी और सिटी को बिलोंग करता हो। एंड अप नेक्स्ट इज एक्वेरियस सन साइन और हिंदी में हम इसको कुंभ राशि भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियंस आज आपका दिन कैसा होने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक्टिविटी बहुत सारी मुझे होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में और उसको पाने के लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है सडनली आपके लाइफस्टाइल में ना ऐसा कुछ आपने इंक्लूड किया होगा कि आप बहुत बिजी हो गए होंगे, या तो कोई नया वर्कआउट शुरू किया हो सकता है और सम न्यू प्रोजेक्ट, तो सडनली यहाँ पर लाइफ ने पेस पकड़ लिया विच इज़ गुड फॉर यू। अगर ऐसे ही चलता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आ गए हम अपने लास्ट सन साइन की तरफ जो है पाइसिस सन साइन और हिंदी में हम इसे मीन राशि भी बोलते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए, दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बाप और बेटे के बीच के इश्यूज क्लियरली यहाँ पर इंडिकेटेड हैं। अगर आप ऐसे कोई सिनेरियो में हैं जहाँ पर यू आर द सन और यू आर द फादर, तो यहाँ पर फादर सन डुओ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी क्रिएट होते हुए दिख रही है क्योंकि वो इश्यूज रिजॉल्व होते हुए भी दिख रहे हैं। अगर इश्यूज करेंटली चल रहे हैं तो बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो रिजॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप दोनों को अपनी एक दूसरे की बातें समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप माइट बी देयर। तो अगर इस बात का आप ख्याल रखते हैं तो चीज़ें अच्छे से सॉर्ट होती हुई भी यहाँ दिख रही हैं। और इसी के साथ इस शो को हम पूरा करेंगे। कल फिर से मैं मिलूंगी आप लोगों को विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।